नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कुर्ती की कटिंग बताने वाला हूं जो कि हम जैसे देखते हैं जब कटिंग करते हैं, अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में 2 इंच का फर्क अगर आता है तो कैसे कटिंग करें, अगर हमारा फर्क 4 इंच का आ जाए तो किस तरीके से हम अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करें ताकि हमारी अच्छी फिटिंग आ जाए। अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का क्या कारण होता है अगर हम वहां पे डिफरेंस ना देखें और कटिंग सही ना करें? शोल्डर हमारे गिरने लगेंगे, गला हमारा पीछे की साइड भागना लगेगा, इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे फुक्का पड़ने लगेगा, इस तरीके से जैसे इकट्ठा हो जाता है कपड़ा। तो ये कारण होते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं करते। इसके बाद और भी कई कारण होते हैं, लेकिन आज इन कमियों को कैसे दूर करेंगे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम नाप के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कटिंग सीखेंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा नाप नोट किया हुआ है। तो जो हमारी लेंथ होगी यहाँ पे 42 इंच होगी, 42 तैयार होगी। अपर ब्रेस्ट का नाप हमारा 37 रहेगा और यहाँ पे 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 40.5 हो जाएगा। तो तैयार नाप रखेंगे हम यहाँ पे 25.25 इंच। मेन ब्रेस्ट हमारी यहाँ पे 39 होगी। तो देखिए, यहाँ पे 39 और 37 में हमारा यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का फर्क है। 37.5 और 39 में 1.5 इंच का यहाँ पे फर्क है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हमारा 2 इंच का भी यहाँ पे फर्क हो तो हम इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे कि हमें मेन ब्रेस्ट का कोई भी ध्यान नहीं रखना है। अगर हमारा 2 इंच का फर्क है, अगर हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का, 3 का या 4 इंच का फर्क आता है तब हमें ध्यान रखना होता है मेन ब्रेस्ट का। तो उसमें कैसे कटिंग करते हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप आज मैं सिर्फ आपको 1.5 से 2 इंच के फर्क के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। वेस्ट है हमारी 32, 3 इंच प्लस करेंगे यहाँ पे 35 हो जाएगा, 17.5 हमारा फ्रंट आएगा, जैसे कि हम नाप लेते हैं 17.5 इंच रखेंगे हम कमर से। हिप है हमारी 41, यहाँ पे 2 इंच का प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 इंच की लूजिंग काफी रहती है, यही यहाँ पे 43 हो जाएगी, हाफ हिस्सा आएगा हमारा 21.5 इंच। बाजू हमारी 15 है और ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10.5, शोल्डर है हमारे यहाँ पे 13.5 इंच और गला है हमारा फ्रंट का 7 और बैक का 6.5, फ्रंट 7 बैक 6.5। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कपड़ा है हमारे पास ये वाला, तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा है, इसी में से पूरा पीस हम आपको कटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है, सेट कर लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से हमने ये बिछाया है। देखिए, यहाँ पे ऐसे जैसे हमारा पूरा पीस है, इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करते हैं, ऐसे पूरा फोल्ड कर लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग, जहां पे हमारे साइज आता है उतना हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो हमारा नीचे की साइड वाला जो पार्ट रहेगा इसमें से निकल जाएगी बैक साइड और ऊपर वाले में से निकल जाएगा फ्रंट, और साइड का जो यहाँ पे ये कपड़ा आप देख रहे हो, इस साइड ये कपड़ा देख रहे हो, ये वाला जो कपड़ा बचेगा इसमें से हमारी बाजू आएगी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये हमारा फ्रंट और ये बैक साइड और ये हमारी बाजू। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 2.5 मीटर कपड़े में से पूरा पीस निकाल सकते हैं कुर्ती का। तो ये फोल्ड करने का तरीका होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, ये हमारा ऊपर की साइड फ्रंट है, नीचे हमारी बैक साइड है और साइड में से हम यहाँ पे बाजू निकालेंगे। तो कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज एक एक यहाँ पे ये समझानी है कि हम यहाँ पे आर्म होल कितना रखें, कितना हम शोल्डर कटिंग करें और कैसे अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करें। तो मैंने मेन ब्रेस्ट का तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपर ब्रेस्ट के हिसाब से चलना है तो फिटिंग आपकी कैसे ठीक आएगी ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा बैक गला है वो है हमारा 6.5। सबसे पहले गले का हम यहाँ पे नाप लिख लेते हैं। फ्रंट है हमारा 7.5 और बैक है हमारा 6.5। अगर हमारा गला यहाँ पे 5 इंच होता तो हम यहाँ पे 7 इंच यहाँ पे कम से कम आर्म होल रखते। तो 7 एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है हर साइज के लिए,
हर साइज के लिए 7 इंच एक हमारा फिक्स नाप होता है, उसमें हम ऊपर नीचे करते हैं गले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा गला है बैक साइड का 6.5 इंच, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, मतलब 7.25 इंच रखेंगे, ज्यादा कम नहीं करेंगे, 7.25 इंच रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 14.5 इंच पे, 14.5 पे। हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे, क्योंकि हाइट हमारी पूरी है, कोई ज्यादा हाइट नहीं है। और यहां से लास्ट वाला निशान लगाएंगे हम लेंथ का, 42 लेंथ है तो 42 में 1.5 कर लेंगे, 0.5 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे। अब हम सभी निशानों को यहीं से बढ़ाते हुए चलते हैं इस तरीके से। ये देखिए सभी निशान यहाँ पे, ये हमारा घेरे का हो जाएगा और ये घेरे वाला फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम हिप के, हिप वाले पॉइंट पे, ये हमारा हिप का हो जाएगा, ये हमारा कमर का हो जाएगा और ये हमारा ब्रेस्ट का हो जाएगा, छाती का। तो देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे सीधे इस तरीके से बढ़ा लिए हैं। अब आ जाते हैं हम साइज पे, यहाँ पे साइज कैसे रखें ये आपने ध्यान देना है। 2 इंच का फर्क है हमारा मेन में और अपर ब्रेस्ट में, तो हमने यहाँ पे कटिंग करनी है अपर ब्रेस्ट के हिसाब से। जैसे हमारा यहाँ पे जो साइज है 37.5 है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 40.5 हो जाएगा, इसका हिस्सा आएगा हमारा 25.25 इंच। तो हम यहाँ पे 25.25 रखने के लिए 10 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, 10 से 1 पॉइंट ज्यादा पे निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे 10 से हमने 1 पॉइंट ज्यादा पे निशान लगाया है। इसके बाद हम कमर का, यहाँ पे कमर आएगी हमारी 32 के हिसाब से 17.5, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच 8.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 8, ये हमने रखनी है यहाँ पे 17.5 इंच पे लगाएंगे, 9.5 पे, यहाँ पे भी 9.5 पे लगा लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारी यहाँ पे कमर आने वाली है। अब यहाँ पे ये इस निशान से इस निशान में ही हमारा मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का फर्क आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मैं चेंजिंग करने वाला हूं आपको मैं समझा दूं। ये हमारा तैयार निशान है 9.5 इंच, ठीक है, और मेन ब्रेस्ट का निशान आएगा हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से तकरीबन 3.25 इंच पर, 3 पे 3.25 इंच पे ये हमारा मेन पॉइंट वाला निशान है। प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर एक बार आप ये वीडियो समझ गए ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। 2 इंच में ज्यादा फर्क आता है। यहाँ पे लगाया हमने 9.5 इंच पे निशान, क्योंकि 17.5 इंच हमारा कम नाप है, 9.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा अलग लिखा है ताकि कट जाए पेन से, तो ये ध्यान रखें 9.5 यहाँ पे हमने रखा है। अब हमें ये है हमारा मेन ब्रेस्ट वाला निशान, ये है हमारा अपर ब्रेस्ट वाला निशान। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इस निशान को इस निशान से हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं। हिप वाले पॉइंट पे बाद में जाएंगे, मेरा मेन मकसद है आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे समझाना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है, यहाँ पे हमारा साइज आता है, ये थोड़ा हम क्लियर कर दें, यहाँ पे 10 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, और यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे 9.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। तो ये देखिए ये सूट हमारा यहाँ पे फंस जाएगा, जबकि हमारा मेन ब्रेस्ट का साइज बड़ा है। अगर हम मेन ब्रेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे तो मेन ब्रेस्ट है हमारे यहाँ पे 39 प्लस 3 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 42, हाफ हिस्सा आएगा 21 इंच। अब यहाँ पे एक निशान में आपको 10.5 इंच पे लगा देता हूं 21 इंच के हिसाब से, ये हमारा यहाँ पे 10.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये हमें लूजिंग चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें लूजिंग कैसे देनी है, किस तरीके से हम इस पॉइंट को लूज करें, ये समझने वाली बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे प्लेट डाल देंगे 3.5 इंच पर ऐसे, ये हमने प्लेट डाल देनी है जिसको डट बोलते हैं, और यहाँ पे हम तो ऊपर की साइड यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड यहाँ पे 4 इंच पे, टोटल हमारी 7 इंच की यहाँ पे डट डलेगी, और चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 1 से 1.25 इंच की,
तो 1 से 1.25 इंच की जो चौड़ाई रखेंगे तो इस तरीके की यहाँ पे हमारी डट डलेगी। तो इस डट का फायदा क्या होगा, कहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे ये तो डट हम डाल देंगे, तो इतना जो कपड़ा होगा हमारा 1.25 इंच का, यहाँ पे ये निशान हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये देखिए, जब हम इस कपड़े को यहाँ पे कवर करेंगे तो 1.25 इंच हमें इस पॉइंट पे बढ़ाना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। जब हम इस पॉइंट पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी आएगी सिलाई, और इस सिलाई को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ पे मैच करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी सीधा निशान यहाँ पे आता है, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। तो ये सिलाई को हम कैसे लगाएंगे, इस तरीके से गोलाई देते हुए, ऐसे यहाँ पे गोलाई देते हुए इस सिलाई को ऐसे जब हम लगाएंगे तो पूरा प्रॉपर साइज हमारा वही निकल करके आएगा जो हमें इस पॉइंट पे चाहिए 39 के हिसाब से। तो ये तरीका होता है कि हम अपर ब्रेस्ट जो होते हैं उसके हिसाब से कटिंग करें, और एक यहाँ पे सिंपल डट डाल के, जो ये प्लेट होती है, ये प्लेट डाल के हम इस साइज को इस पॉइंट से बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा साइज यहाँ पे बिल्कुल बराबर आएगा, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट से मेन ब्रेस्ट से टाइट हो रहा है पीस, तो टाइट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर हमने रखा है यहाँ पे 37.5 के हिसाब से, तो यहाँ पे भी हमारा कोई लूज नहीं रहेगा। क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं तो साइज हम मेन ब्रेस्ट का ऊपर रख देते हैं। अब मेन ब्रेस्ट का साइज हमारा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जब हम ज्वाइंट करेंगे तो बाजू भी हमारी लूज ज्वाइंट होगी, और ऊपर से यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे फुग्गा पड़ जाता है, मतलब एक झोल टाइप पड़ जाता है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, जैसे आपने नाप लेना है उसी हिसाब से आप कटिंग करें, तो आपकी परफेक्ट नाप यहाँ पे आने वाली है। तो सिर्फ एक यहाँ पे सेंटर की जो प्लेट डालते हैं उसका बेनिफिट हमें ब्रेस्ट के नाप में मिलता है, ये हमेशा आप माइंड में रखें। अब आ जाते हैं हिप वाले पॉइंट पे। हिप में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 21.5 इंच हिप है हमारी, 21.5, तो हम 11.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे, ये देखिए। और जिनका पेट बाहर की साइड होता है, थोड़ा निकला हुआ होता है, उनके लिए भी ये प्लेट बहुत ही ज्यादा बेनिफिट की होती है। अब हम नीचे घेरे चाक का निशान लगाएंगे, तो चाक जितने भी रखने हैं आप स्ट्रेट रखते हो स्ट्रेट रख ले, थोड़ा घेरा बड़ा रखना हो तो बड़ा रख ले। और इसके बाद हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हुए इस तरीके से इन निशानों को कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, सिर्फ एक प्लेट डली और हमारी सिलाई सीधी हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। फिटिंग जो आएगी हमारी इस प्लेट के द्वारा आ जाएगी। अब आ जाते हैं शोल्डर पे। देखिए, बैक गला हमारा यहाँ पे फ्रंट का है 7 और बैक का है 6.5, तो हमारा जो यहाँ पे शोल्डर तैयार है 13.5 है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करना है, तो हम 13 यहाँ पे कटिंग करेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हमारा गला यहाँ पे 5 इंच होता तो हमें पूरा 13.5 इंच कटिंग करना था, लेकिन 6.5 है तो हमने 1/2 इंच यहाँ पे कम कर लेना है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम 13 के हिसाब से रखेंगे, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे 6.5 पे, 6.5 पे यहाँ पे लगाएंगे, और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे 1/2 इंच पे। इस अंदर वाले निशान को शोल्डर के निशान से इस तरीके से जोड़ेंगे ऐसे, और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये हमने गोलाई डाल दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाहर की साइड निशान लगाना है बैक साइड का। तो बैक का गला हमारा है यहाँ पे 6.5 इंच, ये आपने ध्यान रखना है। जितना हमारा इस पॉइंट से ये एरिया बचता है, ये बचता है हमारा यहाँ पे 3.5 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो 1/2 इंच पे हो जाएगा। उससे हमें इस साइड में 1/2 इंच लगाना है यहाँ पे निशान, ये आपने ध्यान रखना है, और इस निशान को यहाँ पे शोल्डर के से ऐसे जोड़ लेंगे। अगर हमारा गला बैक साइड का 5 इंच होता तो हम यहाँ पे हाफ पे लगाते, लेकिन हमारा गला है 6.5 इंच बैक साइड का, तो हमने इस साइड 1/2 इंच ले लिया है, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हो जाएगी हमारी बैक साइड वाली गोलाई। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पे कंधे को डाउन करेंगे। तो दोस्तों, सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं।
इन्हीं निशानों पे हमें करनी है कटिंग। ये हमारी फ्रंट वाली निशान है और यहाँ पे आधा इंच हम बैक साइड बड़ी कटिंग करते हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे बैक साइड वाले निशान पे पहले कटिंग करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी आर्महोल की और शोल्डर की समस्या पूरी दूर हो जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान दें इस वीडियो में कहाँ कहाँ पे हमने कैसे कटिंग की है और क्या नाप लिया है। तो इस तरीके से हमने सभी निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर ली है। सिर्फ हमने चेंजिंग क्या की है नॉर्मल में, कि हम यहाँ पे ब्रश वाला साइज यहाँ पे परफेक्ट लाए कि हम एक यहाँ पे प्लेट डाल देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ऐसे, ताकि साइज हमारा परफेक्ट जुड़ जाए। और इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई डालेंगे, ये वाली जो गहराई होती है फ्रंट की, इस तरीके से ये भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली है। बैक साइड का साइज जो है हमारा 6.5 है, तो हम 3.25 इंच ब्रॉड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि तभी हमारा 6 इंच आएगा। और 6.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे गोलाई डालते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गोलाई डाल के हमने बैक वाला पार्ट कटिंग कर दिया है नेकलाइन का। फ्रंट का हमें बनाना है डिजाइन बुकरम का कोई भी। तो दोस्तों फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद इसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो साइड से हमारा कपड़ा बचता है, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए जो हमारा कपड़ा है वो हमने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और बाजू की लेंथ है हमारी 15, तो हम यहाँ पे रखेंगे 17 इस तरीके से, और नीचे फोल्ड के लिए लगा लेंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 4.25 इंच पे ऐसे। तो यहाँ पे ये पीस हम अलग कर लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जोड़ लगाने में हमें दिक्कत ना आए, जो ये कपड़ा बचेगा। एक पट्टी लेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से जोड़ के लिए, और यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा लेते हैं ऊपर नीचे। अब हम सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये वाला हमने 4.25 इंच पे लगाया है। अब आर्महोल का साइज कैसे निकाले, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जितना हमारा अपर ब्रेस्ट का नाप होता है, जैसे हमारा 37.5 है यहाँ पे, तो इसका हम चौथा भाग कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 1.25 इंच। 1.25 इंच में यहाँ पे -1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच का हमारा यहाँ पे आर्महोल जो आएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ना बड़ा आएगा और ना ही छोटा आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। 8.25 इंच हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और नीचे की साइड जो ओपनिंग है हमारी, ये है हमारी 10.5, तो 5.25 इंच पे निशान लगाते हुए इस निशान को ऊपर शोल्डर से ऐसे मैच करेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे एक गोलाई, आगे की साइड यहाँ पे मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में लूज टाइट करने के लिए चाहिए होता है। और इसके बाद हम ऊपर जोड़ वाले 2 पल्ले छोड़ देते हैं और 2 पल्लों में गहराई डालते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से गहराई डालने का एक निशान लगा लेंगे ऐसे, ये आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा जैसे हम गहराई देते हैं। तो जब आप पूरे एक्सपर्ट हो जाते हो, धीरे धीरे काम करते हो, 10-12 कमीजें कटिंग कर हो जाती हैं, तो आपको इस तरीके से गोलाई और गहराई देना अपने आप आ जाता है। तो इसमें आप ट्राई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने स्लीव्स कटिंग कर दी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने स्लीव्स भी कटिंग कर लिए हैं और पूरा पीस आपको कटिंग करके यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से हम अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट का फर्क निकाल सकते हैं और प्रॉपर तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।